कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे देश में लगाए गए लॉकडाउन की अवधि अब 31 मई तक बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन 4 के गाइडलाइन के संबंध में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन 4 में कोई नई छूट नहीं दी जा रही है। मंडलायुक्त ने लोगों से अपील किया कि अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। अनावश्यक रूप से घरों से ना निकले। जिनके पास विधिक पास है वही बाहर निकले। कम से कम समय में काम करके वापस घर जाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया, लॉकडाउन 4 की भारत सरकार की गाइडलाइंस NEC की आ चुकी हैं और अब उत्तर प्रदेश सरकार के शासन के जो भी निर्देश होंगे हम कार्रवाई करेंगे और तब तक हम अपनी जो भी व्यवस्था चल रही है, जो भी जिलाधिकारियों ने आदेश निर्गत किए हैं उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं। सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जन सामान्य को कि वो बिल्कुल बाहर ना निकलें, अनावश्यक रूप से बिल्कुल ना निकलें। जिनको परमिट किया गया है या जिनके पास विधिक पास है वही बाहर निकलें और वो कम से कम समय में अपना काम करके वापस घर में जाएं। सर, जुर्माना का प्रावधान है क्या? जुर्माना का नोटिफिकेशन आपका हुआ है विभिन्न प्रकार की चीज़ों को और विधिक कार्रवाई DM एक्ट 188 IPC विविध व्यवस्थाएँ की गई हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा कि हमें इस प्रकार के जुर्माने और विधिक कार्रवाई को करना ही ना पड़े, क्योंकि ये मास्क यदि हमें क्यों कहने की आवश्यकता है। हर आदमी को सजग होना पड़ेगा और मास्क का व्यवहार खुद के लिए करना पड़ेगा।